हाय ऑल, आई होप आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। और कल आपका गेट का पेपर है, तो जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जो अभी मुझे देख पा रहे हैं यूट्यूब पे या फेसबुक पे, तो उन सबको मैं बेस्ट ऑफ विशेस कहना चाहता हूँ। आपका कल जिस भी लेवल का आपके पास पेपर आए, चाहे वो ईजी आए चाहे टफ आए, तो मैं आपसे बस एक ही बात कहना चाहता हूँ, जस्ट गिव यू 100%, अपना 100% देना। और कभी भी ये मत सोचना कि सर मेरे से दो क्वेश्चन और कर सकता था, मैं नहीं कर पाया, ये मेरे से मिस्टेक होगी। तो मुझे अभी भी याद है जब मैंने 2010 में गेट का पेपर दिया था, हालांकि मैंने पेपर कई बार दिए हैं गेट के, तो जब 2010 में मैंने जब गेट का पेपर दिया था, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस के आंसर को वेरीफाई नहीं किया था। तो एज अ बिग ब्रदर मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा, हालांकि कभी किसी को इतना सजेशन देना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपके पास टाइम बचता है, आपको लगता है कि इस क्वेश्चन में मेरे पास जो आंसर है वो मेरे हिसाब से नहीं आ रहा, तो एक बार उसको दोबारा से कैलकुलेट कर लो, एक बार आंसर को जो है वेरीफाई कर लो जो है। अच्छा, गेट का जो पेपर होता है ना, गेट का पेपर कभी भी आपको जज नहीं करता, या यूपीएससी का पेपर वो कभी भी आपको जज नहीं करेगा। एक्चुअली में ये जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं ये आपकी प्रिपरेशन को जज करते हैं। तो मेरे लिए तो आप सभी के सारे टॉपर हैं, मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हर लोग, हर स्टूडेंट, हर इंसान अपनी ज़िंदगी में हीरो होता है। बस वही वो अलग अलग बातें हो जाती हैं कि कुछ लोगों की फिल्में रिलीज़ नहीं होती, कुछ लोगों की फिल्में रिलीज़ हो जाती हैं। तो कल आप अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा। और इसमें मैं आपको एक बार और बात कहना चाहता हूँ, जिनका मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर है वो लोग अच्छे से ब्रेकफास्ट करके जाएं, ठीक है, और पानी जितना हो सके, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना। कभी कभी ना एंजाइटी हो जाती है, कभी कभी ना लो फील करने लग जाते हैं, तो कोशिश करना पानी की बोतल हमेशा कैरी करना, ठीक है, और खाने पीने का आपको जो है ध्यान रखना है। वैसे तो सब लोग कहते हैं कि गेट से पेपर की पहली वाली रात को टाइम से सो जाना चाहिए, लेकिन मुझे अभी भी याद है कि जब मैंने गेट का पेपर दिया था तो मुझे पहली वाली रात नींद नहीं आई थी। तो मैं यही सोचता रहता, जब मैं दिल्ली में था तो मैं कहाँ से बस पकड़ूंगा, बस मिलेगी नहीं मिलेगी, मेट्रो से मैं कैसे जाऊँगा, रोल नंबर कहाँ पर होगा, ये सब चीज़ें दिमाग में थी। ठंड होगी, ठीक है, पानी, ब्रेकफास्ट मैं कैसे करूँगा, ये सब चीज़ें रहती हैं। तो कोई बात नहीं, आप लोग अच्छे से मैनेज कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा जितना ज़्यादा पानी पी सके पानी आप पीते रहिएगा, एंजाइटी वगैरह लो फील आपको नहीं करना कल के एग्ज़ाम में। और एक और मुझे बात याद आती है सोने के ऊपर, जैसे है ना बी फ्रेंकली में बता रहा हूँ, जैसे कल आपका पेपर, तो आज रात आपको नींद नहीं आने वाली है, और अगर आपको परसों पेपर है तो कल रात को आपको नींद नहीं आने वाली है। तो एक लाइन भी थी, मुझे अभी भी याद है, गमों वाली रात नींद नहीं आती और खुशी वाली रात सोना कौन चाहता है। तो कल का जो दिन है वो एक काफ़ी बड़ा दिन है, जो एक साल से बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो कल का जो दिन है वो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, मेरे लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है कि जो मैंने पढ़ाया है उसमें से आप लोग कितना टाइम कर पाते हैं। तो लास्ट में बस मैं यही कहना चाहूँगा, मेरी तरफ से बेस्ट विशेस। और जाने से पहले, एक राहत इंदौरी साहब बहुत बड़े शायर हैं, जिनको मैं बहुत सालों से, मतलब अपने स्कूल टाइम से मैं फॉलो करता रहा हूँ उनको जो है, तो उनका एक शेर आता है कि ये ना समझना कि मैं खाली हाथ लिए बैठा हूँ, ये ना समझना कि मैं खाली हाथ लिए बैठा हूँ, गमों के पास तूफान और उम्मीद की ढाल लिए बैठा हूं, और ये माना कि दो चार दिन नहीं मेरे मुताबिक, ये माना कि दो चार दिन नहीं मेरे मुताबिक, गिरेबान में सुनहरे साल लिए बैठा हूं, और नहीं डूबूंगा, और नहीं डूबूंगा ये यकीन है मुझे, क्योंकि किश्ती बेमिसाल लिए बैठा हूं मैं। तो दोस्तों, उस भगवान ने आपको बनाया, तो जो भी कुछ होगा आपके साथ सब अच्छा होने वाला है। तो मेरी तरफ से लास्ट में जो है बेस्ट विशेस मेरी तरफ से, कल का जो पेपर है और जो परसों आप एग्जाम देने वाले, उसको आप अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा।